हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली 2 साल बाद हमें मिली है शो लीव। साथ में है मेरे फोर्थ इंजीनियर आई बोल दो भाई। कैसा लग रहा है 2 साल बाद शो लीव मिल रहे हैं? और 32 साल आ रही, 6 महीने बाद जमीन छू रहा हूँ। शक्ल तो दिखाओ यार, 6 महीने बाद जमीन छू रहा हूँ। कैसा लग रहा है 6 महीने बाद जमीन तो छू रहे हो? के बाद और शोली दो ढाई साल बाद मिल रहा है भाई। फर्स्ट बड़ी मुश्किल से शोली मिली है। कार आने वाली है अपनी, 1 मिनट, बस 1 मिनट बाकी है। तो आज तो प्लान है कि सिर्फ शॉपिंग करके वापस जाएंगे, बिकॉज इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बड़ी मुश्किल से शोली मिली है और जल्दी वापस भी आना है। इन US, whenever यू आर बुकिंग थ्रू Uber, यू विल ऑलवेज गेट एन एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव सेडान हो गई या SUV हो गई। एंड इंडिया में तो हम लोग वैगनार से काम चला लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी कॉस्टली अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन लेंगे। लाइक Uber से अगर मैं 5 miles भी जा रहा हूँ तो $20 कॉस्ट कर रहा है। बट प्राइवेट में Uber ही थोड़ा चीप है। बाकी आप कोई प्राइवेट टैक्सी ऐसे लेते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो वो तो आपको और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। एंड बस एंड ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चीप है, बट उसके लिए टाइम भी होना चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम अभी जस्ट हमने उबर लिया, जल्दी पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में। शॉपिंग करेंगे और 3-4 घंटे के बाद वापस आएंगे। और आपको वेरी बैड न्यूज़, आज ईस्टर संडे है तो सब कुछ बंद है, सिर्फ वॉलमार्ट ओपन है। तो लकली सिर्फ वॉलमार्ट खुला है यहाँ पे, एंड वॉलमार्ट में बहुत ही चीप मिलता है सामान। लाइक चॉकलेट्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लैपटॉप हो गया। मैंने लैपटॉप तो नहीं लिया क्योंकि यहाँ मैकबुक नहीं मिल रहा है, मुझे मैकबुक लेना था। बट मैंने बहुत सारे सामान लिए हैं, वो मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत कुछ मैंने ले लिया है, एंड इंक्लूडिंग दिस मिस्टर कॉफ़ी एस्प्रेसो। आई होप कि मुझे कस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन आई एम रिटर्निंग टू इंडिया, एंड ये सही सलामत आकांक्षा के पास पहुँच जाएगा कॉफ़ी मशीन। शी लव्स कॉफ़ी, एंड जो उसको पसंद है वो सब मैंने ले लिया है। चॉकलेट्स हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। एक लगेज का लिमिट है, 40 kg अलाउड। सब ने चॉकलेट ही भरी है वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एंड फोर्थ इंजीनियर ने भी पूरा चॉकलेट भर भर के रख लिया है। सेडान कार मिलने का कुछ तो फ़ायदा होगा। मैं आई जस्ट लव सीइंग दीज बंगलोज, एंड इनके जो एलिवेशन है सारे मुझे अच्छे लगते। कभी मुझे ऐसा मतलब बेकार सा एलिवेशन वाला घर तो दिखाई नहीं है US में। एंड आई एम नॉट श्योर, बट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर वॉज सेइंग दैट इनको पहले परमिशन लेनी होती है अपना जो अप्रूव घर बनाना है, उससे पहले अप्रूवल चाहिए होता है। एलिवेशन का अप्रूवल मिलने के बाद ही ये घर बना सकते हैं। मे बी दैट्स वाई इतना सिंक्रोनाइज रहता है, कुछ अजीब नहीं लगता है, और प्लान वे से यहाँ पे सारा वर्क हो रहा है। मे बी दैट्स वाई इतना अच्छा लगता है। आई कैन सी हेयर लॉट्स ऑफ इथोपियन रेस्टोरेंट। लगता है यहाँ पे इथोपियन बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो दिस मार्केट इज़ नोन एज द ग्रूव। छोटी सी मार्केट लग रही है, लेट्स सी अंदर क्या मिलता है। एप्पल स्टोर है, गूगल पे सर्च भी किया है मैंने। आई होप मैकबुक मिले और कुछ डिस्काउंट ऑफर भी मिले, अच्छा बढ़िया मज़ा आ जाए। ईस्टर का दिन है, सब बंद है, तो एटलीस्ट जो ये खुला है इस पर कुछ डिस्काउंट तो मिलना बनता ही है। सामान कैसे लेके जाए यही सोच रहा हूँ, कितना सारा सामान है। US हो और कार ना मिले बढ़िया वाली देखने को, मज़ा आ जाता है भाई। यहाँ देख कार देख के ऐसा लगता है बस इनमें से कोई उठा लूँ और चलाऊँ। सामान बहुत ज़्यादा था, सब लोग नहीं आ सकते थे, तो जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है उनको अभी छोड़ दिया है, उनको कुछ यहाँ लेना नहीं है। अभी मैं और फोर्थ इंजीनियर जा रहे हैं एप्पल स्टोर में। बहुत क्राउड है यहाँ पे, एंड हमें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में दिख गया है, वहाँ पे जाएंगे। खाने की जगह भी मिल गई है बढ़िया से। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ, मार्केट एरिया है पूरा, मार्केट प्लेस है। नाइस ओपन बस घूमने के लिए, वाह सही है यार, क्लासिक बढ़िया है, लाइक इट। सेलिब्रेटिंग 20 years, आई डोंट नो फॉर व्हाट। अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ पे है, मिल नहीं रहे। ये पूरा
मार्केट हम क्रॉस करके पहुँचेंगे, फिर वापस बहुत दूर जाना पड़ेगा यार सामान लेने। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। ईस्टर इन्जॉय कर रहे हैं आज, इनका ईस्टर फेस्टिवल है। ऐसा फेस्टिवल है कि यहाँ पे कोई मतलब ये मार्केट तो ओपन है आई थिंक बिकॉज यहाँ पे लोग इन्जॉय करने आते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन होगी ज़रूर। बट बेस्ट बाय और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सिर्फ वॉलमार्ट ओपन था, बाकी सब बंद मिला हमें, जैसे कि मैंने बताया था। नाइस मैन, द ग्रूव। सही माहौल है यार यहाँ पे, मस्त बियर मानते हैं यहाँ बैठ के, क्या बोलते हो? बनता है आज तो एक बियर बनता है। सही माहौल है, म्यूजिक इतना मस्त है, क्या सीन बन रहा है। ईस्टर इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग। एप्पल का स्टोर इतना बड़ा, ओह माय गॉड, ये तो फुल एप्पल ही है यार, एप्पल के लिए खास स्टोर। वी गॉट नाइकी स्टोर। एप्पल में इतना क्राउड है, लाइक 40 मिनट्स वेटिंग है यहाँ पे, उसके बाद ही जा सकते हैं। तो मीन वाइल हम क्या कर सकते हैं, अभी नाइकी स्टोर चेक कर लेंगे एंड देन उसके बाद। बच के तो चलना रे बाबा, सही है यार। ये एरिया मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा है, बहुत महंगा सामान मिल रहा है यहाँ पे। एंड एक शूज़ मैंने देखा था नाइकी के $210 ऑलमोस्ट 15,000 का एंड नो डिस्काउंट, मैं तो नहीं लेने वाला, सिर्फ लग रहा है लंच करके जाऊँगा वापस। मुझे लगा शायद मिल जाएगा विक्टोरिया सीक्रेट का सामान, मैप पे भी चेक किया तो ओपन दिखा रहा था, बहुत बड़ा मॉल था बेवेली मॉल, मैं वहाँ गया और अनफॉर्चुनेटली बंद था। अभी वापस आना पड़ रहा है, आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया, इससे अच्छा तो मैं वहाँ अभी जहाँ गया था ग्रुप में कुछ देख सकता था। कोई नहीं, अभी वापस जाएंगे ग्रुप में। प्री COVID-19 टेस्टिंग का यहाँ पे बूथ लगा हुआ है एंड फ्री में कोविड टेस्ट कर रहा है, जिसको भी आके अपना कुछ आपको डाउट है कि कोविड है या नहीं है यहाँ पे आके चेक करा सकते। क्राउड इज सो मच कि यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट के लिए भी बैठने की जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है एंड बहुत ही हैप्पी प्लेस है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। दिस शॉपिंग सेंटर बिल्ट 20 years ago एंड 20 साल से लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज यहाँ पे बनाई है, डाइनिंग के साथ साथ शॉपिंग एंड थिएटर एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत मुश्किल से टेबल मिला इस रेस्टोरेंट में एंड यहाँ का मेन्यू कार्ड देख के लगता है उड़ भी जाते हैं। कॉस्टली की बात नहीं है बट मुझे जो अच्छा लगता है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। हम लोग अभी वहाँ सामने बैठे थे बट अभी यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाना है एंड यहाँ पे आके एटलीस्ट हमें बर्गर मिलेगा एंड वी विल हैव चिकन विंग्स। वन बर्गर कॉस्टिंग में $20, 1,500 का एक बर्गर है। जब तक चिकन विंग और बर्गर आता है मेरा, मैंने सोचा एक प्रॉपर राउंड ले लेता हूँ फिर से, क्या पता मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। मैंने मैकबुक नहीं लिया, कॉस्टली था काफ़ी एंड ऊपर से टैक्स भी लग रहा था एंड देर वॉज नो डिस्काउंट, तो मैंने सोचा चलो बाद में देखते हैं उसको। आई कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द बिग ब्रांड्स, कोच हो गया, माइकल कॉर्स, सी द पीपल कमिंग ओवर हियर टू टेक विटामिन डी। विटामिन सी स्टैंड, नॉट जस्ट वी आर टेकिंग विटामिन एंड दे आर इन्जॉइंग ऑल्सो विद दिस बैंड, लाइव बैंड, लाइव बैंड के म्यूजिक के साथ इन्जॉय कर रहे हैं एंड सी एवरी वन इज लाइंग हियर टेकिंग रेस्ट इन्जॉइंग। सीरियसली स्पीकिंग, ये जो DJI Pocket 2 है उसको लोग पलट पलट के देखते हैं, जब भी मैं ये लेके निकलता हूँ व्लॉगिंग करता हूँ तो लोग, आप देखेंगे मेरे पीछे जो लोग हैं देखे पलट पलट के मुझे देख रहे हैं, ये इस कैमरे को देख रहे हैं। टाइम टू टेक सम पिक्चर, पूरा राउंड ले लिया है मुझे और कुछ नहीं। भी चल रही है बहुत ज़्यादा, लोग भीड़ लगा रहे हैं, फ़ोटोज खींच रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे शूट लेना, बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, बहुत ज़्यादा क्राउड है।
लग रहा है यहाँ पे मस्त। ये है $20 के चिकन विंग्स, 1500 रुपये। इतने में तो इंडिया में KFC में अगर बैठ जाओ तो 2 बकेट आ जाए, पूरी फैमिली खा के जाए। है $20 का लग रहा है। वाओ नाइस, $20 में मज़ा तो आ रहा है यार। लुक एट द प्लेस मैन। और ये $20 के बर्गर। तो मेट Jamel. Jamel, from France. Uber driver, driving these nice people. And YouTuber people. And part-time job. He is music composer and he has done movies with the Bollywood and Tamil movies. Tamil movie, yeah. And also work with some director, Shanmuga. Who's from India. Okay, nice. Very good guy. Yeah. Always bring me some work always working with people. Yeah, and he told me some nice places in LA. And you have to go to Joshua Tree Desert, yeah. Which is the a unique desert. There's only one like this on the planet. Okay. You know, the kind of like vegetation like this. So I thank him for telling me, and next time I definitely plan there and I will visit. It's something you gotta go, you gotta see. Yeah. So kya kya kharida aaj bhai? बस सब सामान लेना हूँ, थोड़ा सब का मोबाइल के चक्कर में सब लेट हुआ। और खास बात क्या है कि अभी 2 साल बाद गए हैं तो पूरा एंजॉय करके आए हैं। 8 से 10 घंटा बाहर थे हम लोग, अब शिप पे जाके क्या करना है वो बाद में देखेंगे, सोच के रखा था आज एंजॉय करेंगे। क्यों, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया? वो काम हो गया है, नहीं मेरा काम रह गया, एक मैकबुक रह गया, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा फिर आपके लिए।